खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। पुलिस और प्रशासन की अनूठी पहल, एक हुआ बिछड़ा परिवार। कोचालोन सरकार ने पुलिस को देश और समाज की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाया है और जहां भी आपराधिक गतिविधियों होती है पुलिस वहां अपराधियों पर लगाम कसने और सब समाज सुरक्षित करने के लिए मौजूद रहती है। लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश के पुलिस के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। कभी किसी दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को अपने गोद में उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाते, तो कभी बरसों में एक दूसरे से अलग रहे परिवारों को मिला रहे हैं। ताजा मामला जनपद जालौन के कोच कोतवाली के सामने आया, जहां पर आज थाना दिवस पर एक महिला अपने पति की शिकायत लेकर उस पर कार्रवाई कराने के लिए आई थी। महिला हेल्प डेस्क पर मौजूद महिला कांस्टेबल विनीता और कांस्टेबल कविता ने महिला को तसल्ली पूर्वक बैठाकर उसकी समस्याओं को सुना और तत्काल उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार और तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा को मामले से अवगत कराया। उप निरीक्षक और तहसीलदार उसके पति को बुलाया और दोनों पक्ष को शालीनता से समझा बुझाकर शांति कराकर बच्चों का भविष्य के बारे में जानकारी देते हुए राय दिया, तो दोनों पति पत्नी ने गले से बुलाकर एक साथ रहने की कसम खाई। इसी दौरान तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा और उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बच्चों को बिस्किट मिठाई आदि खाने की दिया, तो बच्चे का चेहरा भी मुस्कान लाया। उसके बाद दत्ती ने प्रशासन तथा पुलिस ने धन्यवाद देते हुए अपने परिवारों को लेकर घर चला गया। जालौन से जिला संवाददाता कृष्ण कुमार कुशवा की खास रिपोर्ट। बोला आयात नगर, क्या मामला था आप दोनों के बीच में? हम लोगों का हुआ समझौता हुआ है। समझौता हुआ, किसने कराया है? सब ने कराया है। कौन सब ने? तहसीलदार साहब ने। अच्छा, नाम हम ही बताएंगे। और कौन था? दरोगा जी थे। आज क्या था? संपूर्ण समाधान दिवस। अब कैसा लग रहा है आपको? अब अच्छा लग रहा है। दोनों लोग खुशी खुशी रहोगे? शिकायत तो नहीं मिलेगी दोनों के बीच में? साहब ने कुछ आपको मिठाई खिलाकर किया है? कुछ आपको भेंट किया उन्होंने? क्या दिया है? एक मिठाई का डिब्बा दिया, बिस्किट दिए बस। अच्छा, जिससे आप बहुत खुश हैं? हाँ, इससे खुश है। क्या कहना चाहेंगे आप आज के समझौते में? क्या कहना चाहेंगे? साहब का अच्छी तरह धन्यवाद करते हैं, अच्छी तरह समझौता करा दिया हमारा। अच्छा, कौन साहब ने? अरे तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब और धर्मेंद्र साहब। धर्मेंद्र साहब रहती हैं? प्रीतमपुर की रहने वाली हैं। आजाद नगर। अब आजाद नगर में रह रही हैं। आजाद नगर में ब्याह के आई हैं आप। कैसा लग रहा है? मिठाई विठाई कुछ मिली है आपको? अब दोनों लोग खुशी खुशी रहेंगे, अब शिकायत तो नहीं मिलेगी? दोनों लोग बताइए, दोनों लोग बताइए, दोनों लोग बोला।